में आए ना, यस मैम। टेम्पलेट हमेशा स्टार्ट होता है, टेम्पलेट हमेशा स्टार्ट होता है 3 to 5 प्लस 3 to 5 स्टार्टिंग यहाँ से होगा और कोडिंग लिस्ट में 5 to 3 इधर स्टैंड बना रही हूँ। तो ये ब्लू वाला मैंने बनाया ना, तो ब्लू यस मैम ही मैंने लिखा ना, तो ये कोडिंग हो गया ब्लू वाला हुआ ना। यस मैम प्राइम मैंने ये क्या किया 5, ये 3 to 5 मैंने उसका किया, क्या किसका किया, टेम्पलेट का। टेम्पलेट वो स्टैंड पे आप देखोगे तो सोचोगे 3 to 5 है, 3 to 5 है। आप ऐसे जो सोचोगे ना, ये मन में आएगा कि ये 3 3 इधर है, तो पहले ही आपके होता है ये सोचोगे ना। हाँ, तो आप इस सोचना, ये मत सोचना कि 5 5 इधर है, 3 3 इधर है, ये गलत हो गया। बस आपको देखना दो स्टैंड यहाँ पे है, यानी कि एक स्टैंड आपका कोडिंग है, एक स्टैंड क्या है, टेम्पलेट है, ठीक। यस मैम। दो कलर से दे दिया था, आप आसानी से पहचान लोगी। अगर एक कलर से दिया होगा, लेकिन बट अगर 3 टाइम 5 टाइम दिया है तो भी आपको तो समझ में आ जाएगा कि टेम्पलेट हमेशा 3 to 5 होता है और कोडिंग हमेशा 5 to 3 होता है ना। और आपका क्या डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म कौन सा बनेगा, जो हम टेम्पलेट का बनाते हैं, एमआर में जो बनाते हैं टेम्पलेट का करते हैं, और वो मैच किससे करता है, कोडिंग से, यानी कि 5 to 3 प्लान कोडिंग करेगा। हाँ, बस एमआर में है, यानी कि यू हो जाएगा टी की जगह पे, बस यही होगा है ना। यस मैम। हाँ, यही मैं इधर बना रही हूँ। जैसे मान लो, मान लो ये हो गया आपका टेम्पलेट, मैं इसका बनाती हूँ तो, और ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। क्या हुआ बेटा, ये पकड़ो तो। और देखो बेटा, हमेशा ये बताओ, एक चीज और समझ लेना कि जो आपका एम आर में बन रहा है, ठीक है, वो बना रहे हम डबल स्टैंड बना रहे, डबल स्टैंड, ठीक है, एक स्टैंड है। जैसे मान लो ये दो, ये दो, ये लो, ठीक है, एक स्टैंड मतलब जैसे मान लो डबल स्टैंड है ना, ये दोनों स्टैंड एक ही स्टैंड का बना रहे ना। यस मैम। हाँ, तो ये तुम्हारा हो गया। तो हमेशा ये समझ जाना, प्रोटीन जो हमारा बनता है डबल स्ट्रैंड से नहीं बनेगा, हमेशा एक स्ट्रैंड से ही बनेगा, ठीक है। मैं उसका बता देती हूँ, पहले ये आप समझ जाओ, ये पहले समझ जाओ क्यों डबल स्ट्रैंड नहीं बनता, वो मैं बताती हूँ देखो क्यों। हेलो, ये है तुम्हारा स्ट्रैंड, ये डबल स्ट्रैंड ये हो गया। मान लो एक यहाँ पे, मान लो ये क्या है, एडेनिन, सॉरी ये किसका मैं बनाती हूँ। हाँ देखो, पहले दो कलर हम चूज करते हैं, सॉरी मैंने ऐसे करते हैं, तो स्टार्टिंग से ये तो इतना तुमको तो समझ में आया ना, टेम्पलेट और कोडिंग, ठीक है। यस मैम, वो आ गया। मैंने दो कलर यूज करते हैं तब समझ ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लो दो कलर मैंने लिया, मान लो ये एंटी पर्लर होता है ना डीएनए, ठीक, एंटी पर्लर ले लिया, दो स्टैंड हो गया इस तरह समझो, ठीक है, डबल स्टैंड हो गया ना। अब तुम्हारे क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोटीन बनाने में क्या हम दोनों डबल स्टैंड यूज करते हैं, नहीं ना, डीएनए का एक ही स्टैंड है ना बेटा, दो स्टैंड लिए हैं, नहीं ना। मान लो हमारा डीएनए तो डबल हेलिक्स होता है, हम तो एक ही स्टैंड कोडिंग, दो स्टैंड तो नहीं ले रहे ना बेटा, कोडिंग जैसे ही कॉपी, एक ही स्टैंड का हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बना रहे हैं ना। दोनों नहीं यूज कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते, देखो आपने ने बताया। मान लो ये एंटी पर्लर स्टैंड हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, डीएनए का, ठीक है, डीएनए है ना, डीएनए का एंटी, ये डीएनए का है, यानी कि मान लो हमने ये लिया, मैंने ले लिया 5 to 3 5 ले लिया, अब इसका टेम्पलेट हो जाएगा 3 to 5 5 तो अब मैं मान लो ये मैंने इस पे रख दिया एडेनिन, रख दिया थायमिन, रख दिया ग्वानिन, रख दिया, ठीक है बेटा, और थायमिन, साइटोसिन,
ग्वानिन, ठीक है, इस तरह मैंने रख दिया। ठीक, अब तुम देखो ये है तुम्हारा कोडिंग स्ट्रेंथ, एकदम अच्छे से शांत दिमाग से समझना, ठीक है, कोडिंग स्ट्रेंथ। ठीक, मान लो तो एडमिन का क्या हो जाएगा बेटा, एडमिन का थाइमिन, नहीं नहीं हमको एमआरआई लिखना है, यूरासिल ले ले रहे हैं दूसरा कलर, ठीक है, ठीक है, ये बना ले रहे हैं, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यस सर, यूरासिल, अरे थाइमिन का एडमिन, ग्वानिन का एडमिन, साइटोसिन, यूरासिल, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन का साइटोसिन, एडिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक है, साइटोसिन, यस मैम, एडिनिन, गुआनिन, बन गया ना, साइटोसिन, अब देखो, यस मैम, तो अब हमको टेम्पलेट का बनाते हैं, ठीक है, तो ये बताओ, पहले इसका देख लेते हैं, ब्लू वाला, हाँ, जो मैंने इसका टेम्पलेट, कोडिंग का टेम्पलेट जो मैं, जैसे कि मान लो डीएनए का अगर दोनों स्ट्रैंड का अगर हम एमआरएनए बनाने लगे तो प्रोटीन बनेगा क्या, नहीं बनेगा, एमआरएनए बनेगा, नहीं बनेगा, बनाते हैं कैसे, अभी मैं बताती हूँ तब तुमको क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे मान लो इसका, मान लो थायमिन एडिनिन, हाँ मान लो ये टेम्पलेट स्टैंड है, मान लो यहाँ पर भी तुम्हारा क्या आ गया, एडिनिन का क्या हो जाएगा बेटा, थायमिन, थायमिन का क्या हो जाएगा, एडिनिन, किसका, मैं इसका बना रही हूँ, इसका कॉपी लो, यस मैम, टेम्पलेट साइटोसिन फिर थायमिन, साइटोसिन हो गया, फिर बनाओ, यस मैम, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, बन गया, यस मैम, तीन तीन का बना है, मान लो तीन यहाँ, तीन यहाँ, तीन यहाँ, है ना, तीन यहाँ, तीन यहाँ, मैं बस समझाने के लिए बना रही, ठीक है, मान लो इसको हम एक अमीनो एसिड बोल सकते हैं ना, बनेगा तो इसी का ही बनेगा ना, एक हो गया, ये दो हो गया, मान लो कोई कुछ भी बन सकता है, जो भी अमीनो एसिड का नाम दे दो, मैं मतलब इसका अगर बनाऊंगी तो, ठीक है, अब देखो इधर भी तुम कर लो, ये क्या हो गया, तीन हो गया, एमआरएनए हो गया ना, एमआरएनए इन्हीं का बनेगा ना, ठीक, अब देखो क्या हो, अब इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका बनाओ, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ, एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, मैंने इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, हाँ, तो एडेनिन, एडेनिन के बाद यूरासिल, यूरासिल, साइटोसिन का ग्वानिन, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, बस यू की जगह टी, एम आर ने बनाना है ना, ये तुम्हारे एम आर ने बन जाएगा, एम आर ने बनेगा ना, यस मैम, यही स्टैंड बनाते हैं ना टेम्पलेट का, इसलिए मैंने तुमको बताया था ना बेटा कि ये डीएनए है, डीएनए का अगर हमको एमआरएनए बनाना है तो हम इसका नहीं, इसको नहीं पलटते, इसके कॉपी को नहीं कुछ करते हैं, ये जो टेम्पलेट, टेम्पलेट का ही हम बनाते हैं और ये मैच करता है इससे, मैंने मैच लिखा है ना इससे, यस मैम, तो सबसे इसलिए मैं बताती ना कि डीएनए जो तुम्हारा दिया है इसको हम पहले टेम्पलेट स्टैंड बनाते हैं, ठीक है, टी ए सब जो ए टी ऐसे करके, तब हम इसका क्या करेंगे, एमआरएनए बनाते और ये मैच करता है कोडिंग से, लेकिन बच्चे सबको याद नहीं रहता है, वो डायरेक्ट बना देते हैं, डायरेक्ट ये दिया रहेगा उसका बना देंगे, वो सही नहीं ना होगा बेटा, नो मैम, हाँ, तो अब देखो मैं, अब देखो ये मैच कर रहा है ना, ए ए मैच कर रहा है, बस ये टी हो, जी जी मैच ए ए मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, जी मैच कर रहा है, बस तुम्हारा टी की जगह पे प्रॉब्लम है, सिर्फ ये जो, समझ गई, यस मैम, आ गया, तो यानी कि ये मैंने बना दिया, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी कि ये हो गया, अब ये देखो ये भी मिल रहा है, इसको मिलाओ, देखो ए का यू हो गया, यू का ए हो गया, जी का सी हो गया, ए का यू हो गया, बन रहा है कि नहीं, यस मैम, दोनों बन रहा है, दो दो एमआरएनए आ गए ना, तो ये कॉपी, ये जो है ये टेम्पलेट पे मैंने बनाया है, 3 to 5 prime, यही होगा 3 to 5 prime होगा ना, यस मैम, यही होगा,
हाँ 3 to 5 ग्राम। तो अब बताओ ये हमारा कॉपी इससे मैच कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है क्या, ये कॉपी इससे मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा मैम, यही नहीं नहीं ये मैच कर रहा है, मैच ये मैच नहीं कर रहा है मैच। इसीलिए हम जब भी एमआरएनए बनाएंगे या डीएनए का स्ट्रैंड मिले रहेगा, डबल स्ट्रैंड कभी नहीं लेते। आप देखो स्ट्रैंड नहीं लेते एमआरएनए बनाने में, डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, समझ रही हो? यस मैम। और मैं कि अगर डबल स्ट्रैंड दी तो ना ही एमआरएनए बनेगा और ना ही प्रोटीन बनेगा। टेम्पलेट बनाना है और टेम्पलेट से हम ये मैचिंग करते हैं, ये मैचिंग कर रहे हैं, समझ में आया? और ये मैचिंग करते हैं, मैचिंग मैचिंग, समझी? यस मैम, आगे समझ। इसी जमीन है? नो मैम। मैंने ये दिखा दिया, देखो ये किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इससे, मैंने कोडिंग का ही बना दिया, मैच कर रहा है नहीं ना, मैच कर रहा है नहीं, इससे मैच कर रहा है, टेम्पलेट से मैच कर रहा है ना, टेम्पलेट से, इसीलिए हम टेम्पलेट को ही बनाते हैं, ठीक है? और देखो ये टेम्पलेट है, देखो कोडिंग को और क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टेम्पलेट, ये टेम्पलेट नहीं ना है, ये टेम्पलेट है क्या? नो मैम, नहीं है, नहीं, टेम्पलेट बोल रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है, सेंस, मैंने बताया था ना, नॉन सेंस या एंटी सेंस, ये सेंस है, सेंस ये हाँ है ना, यानी इसी से प्रोटीन अमीनो एसिड बनता है ना, ये सेंस स्टैंड है, हाँ। समझ में आया क्यों कोडिंग बोलते हैं, कौन क्यों नॉन टेम्पलेट बोल रहे हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट पे हम लोग अमीनो एसिड नहीं बना रहे, हम लोग एमआरएनए नहीं बना रहे, हम किस पे बना रहे हैं, समझ रही हो? कोडिंग मैम, यस मैम, नॉन टेम्पलेट हो रहा है, हम किस पे बना रहे हैं, इसका हमारा बन रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, टेम्पलेट बोल रहे हैं, देखो गिर जाएगी, इसको छोड़ के आए हो क्या, टेम्पलेट, टेम्पलेट, और इस ये हमारा कोई हिस्सा हमारा कोई नहीं, कुछ नहीं बन रहा है, ये हमारा क्या जाएगा, नॉन नॉन कोडिंग, नॉन सॉरी नॉन कोडिंग जाएगा, नॉनसेंस बोलेंगे तो, हां जी, ये तीनों याद करने के लिए तीन से क्या हो जाएगा, तीन याद रखो, तीन जो स्टार्ट होगा वो टेम्पलेट है, फाइव प्राइम से स्टार्ट होगा वो कोडिंग है, ठीक? यस मैम। वो भी नहीं, फाइव प्राइम से ये याद करो, 1 2 3 4 कितना हो गया जी, 6000 नहीं, बस ये एक याद रखो टेम्पलेट, बाकी तो तुमको याद हो ही जाएगा, समझ में आ गया ना? यस मैम, ये आ गया, पहले तुमको नहीं समझ, इस तरह मैंने नहीं बताया था, ठीक है? यस मैम। हाँ तो हमेशा याद रखना कि हम आरएनए ऐसे ही बनाएंगे, डबल स्ट्रैंड ऐसे तभी बनेगा, एक तुम्हारा डीएनए होगा उसका स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, फाइव प्राइम उसका किसका होगा, किसका होगा बेटा, टेम्पलेट का, टेम्पलेट, देखो रीजन में बोल देती हूँ, क्योंकि देखो क्योंकि जो तुम्हारा अगर हम दो आरएनए अगर बनेगा बेटा, डबल स्टैंड लिए अगर, ठीक है, डीएनए का डबल स्टैंड लेंगे तो दो आरएनए बनेगा, बनेगा कि नहीं? यस मैम, हम एक आरएनए बना रहे ना, अगर दो आरएनए बनेगा तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, ट्रांसलेशन को रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, क्योंकि तुम देख ही रही हो कॉपी किसका हो जा रहा, मैच नहीं कर रहा, ये मैच कर ही नहीं रहा है ना, यस मैम, ये स्टैंड क्या हो रहा है, ये स्क्रीन आपका ट्रांसक्रिप्शन में वो दो आरएनए बना रहा है, जो जो यहां पर आप देख सकते हो कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जो हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बट डिफरेंट है, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, वनीला है, बट
अगर सेम रहता, सेम रहता है, अगर इससे मिलता दोनों, बट डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट बन रहा है, देखो ड्रॉअर में होगा, डिफरेंट बन रहा है, ठीक है, और या रूम वो नीच पैकेट है उसमें, ठीक है, तो ये क्या है, दो प्रोटीन क्या हो जाएगा, डिफरेंट सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, दो प्रोटीन अगर इस तरह ली है, तो दो प्रोटीन जो होगा वो डिफरेंट सीक्वेंस में बन जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, वो क्या कोड कर रहा है बेटा, दो प्रोटीन को कोड कर देगा, तो ये क्या होगा, दिस विल कॉम्प्लिकेटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में क्या कर देगा, कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, ये मैंने आपको लिखवाया है पॉइंट, आप देखना ट्रांसक्रिप्शन में, मैंने रिप्लिकेशन जब लिखवाया होगा ना, आप ढूंढना वहां पर लिखवाया है, yes. रिप्लिकेशन लिखवाया, अनलाइक डीएनए रिप्लिकेशन, और रीजन दिया होगा, ठीक है, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो बनने लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन आपका वो वहां पर फॉर्म होने लगेगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, यस मैम, हां आ गया, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका इवोल्यूशन, ठीक है, इतना समझ में आ गया, और ये yes, तो फिर से एग्जॉन क्या होता है, जोड़ते हैं कि कट करके हटाते हैं, क्या कट करके हटाते हैं, मैं एग्जॉन को कट करके, हाँ जोड़ते हैं क्या हटाते हैं, जोड़ते हैं, हाँ अभी याद आया, अभी इसको याद आया, ठीक है, अब देखो, और एक चीज मैंने ये बताया था ना, अब देखो ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करने के लिए मैं तुमको बताया था ना कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या था, क्या था ये फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर, यस, हाँ बीच में आ जाता है वो कट करके, और जगह बना लेता है, एक और मॉलिक्यूल, ये क्या ले लिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बाइंड करता है, और ये सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएट बाइंड, पहले ये बाइंड कर लेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर लेगा, सिग्मा फैक्टर है, हां और फिर ये किस रीजन पे बाइंड करेगा बेटा, प्रमोटर बताया था मैंने, यस मैम, बाइंड करेगा, फिर इसको क्या कर देगा, इतना ये आगे आगे मान लो इतना इस पोजीशन को क्या करेगा, ओपन कर देगा, करेगा ना, अब मैं आगे का फिगर नहीं बना रही, हां ऐसे बन जाएगा ना, अब ये यस मैम आरएनए निकल जाएगा, होगा ना, यस मैम, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस चलता है, ओपन हुआ, मैंने बताया था एनिमेटेड वीडियो से कि आपको समझ में आ जाएगा, कोर एंजाइम क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, लास्ट में आपका कोर ये इस तरह कोर एंजाइम, ये सिग्मा है, ठीक है, कोर एंजाइम ऐसे बना रहता है, सिग्मा ये सिग्मा हट जाता है, रो रो होता है ना, रो 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 वो उल्टा जो बनता है, उल्टा ऐसे बनेगा, दो दो रहता है ना, तो क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है, अरे बाइंड करके कुछ थोड़ा रिवीजन कर लो, ठीक है, यस मैम, और जो मैं जो बन रहा आरएनए का चेन बना है, पॉलीमर पूरा एमआरएनए है, ठीक है ना, हाँ टेल का पोजीशन ही एमआरएनए है, मैंने फिगर बनाया, आई थिंक एमआरएनए यहाँ पर लिखा है, तो सिर्फ टेल पोजीशन ही एमआरएनए मत समझना, मैं फिर से बता रही हूँ, ठीक है, यस आगे ना, जो ये हाँ यस चल रहा है, जो कैपिंग हो रहा है, टेलिंग हो रही है, पूरा तुम्हारा एमआरएनए बन रहा है एग्जाम के बाद, ठीक है, यस मैम, रिटर्न करना है, इलॉन्गेशन करना है, और फिर क्या कर देना है बेटा लास्ट में बताओ, अरे यार ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत की, फिर चैन को खोली, लंबा बनता गया, इलॉन्गेशन हुआ, यस मैम, टर्मिनेट कर, प्रोसेस करते रहोगे कि स्टॉप भी करोगी, स्टॉप भी करेंगे, हां भाई, कल मुझे थोड़ा बताना था बेटा, तो इसको कम हुई और यस, कल मुझे तुम अपने मन ओरली बिना बिना लिखे मुझे ऐसे ही समझाना कि मैम ये बाइंड होता है तो इनिशिएट होगा, ये बाइंड होगा तो इलॉन्गेशन होगा, ये बाइंड होगा तो टर्मिनेट होगा, मुझे तीनों में बताना, रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ओरली मुझे बताना, यस तुम्हारा ये होमवर्क है, ठीक है, हाँ
पक्का बताओगी ना? पक्का मैम। देखते हैं, चलो अब नया ये स्टार्ट करो। क्या इवोल्यूशन जो मैं सबसे ठीक है लिखो नल इवोल्यूशन। मेरी बेटी गाना सुन रही है, जबरदस्त लड़की है। आवाज गाना सुन रही हो कि नहीं? आवाज आ रहा है? नो गाना नहीं आ रहा, सुनाई दे रहा। मैंने क्या लिया है? मोबाइल टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। चलो इवोल्यूशन ही पहले पढ़ना है ना? यस मैम। चलो कुछ और पढ़ाना मैम, पढ़ा दो। सब इजी है, सब इजी है, थ्योरी डाटा है, सब तुम समझ जाओगे। इसलिए देखो मैं इसलिए चाहती हूँ ना कि तुम फ्रेश माइंड से जब भी कुछ पढ़ोगी ना, जबरदस्ती पढ़ोगी तो फिर वो नहीं पढ़ पाओगी, तुमको लगेगा ही नहीं कि क्या पढ़ रहा है। जब तक तुम इंटरेस्ट नहीं लोगी बेटा तो फिर बोर होने लगोगी। हम मैं ये चाहती हूँ कि बोर ना हो, जब कुछ शुरुआत करो, ज्वाइन करो, फ्रेंड करो तो अच्छी तरीके से तुम्हारे माइंड में बैठे। तो लिखो ओरिजिन ऑफ लाइफ। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? एवॉल्व होना। क्या होना मैं मतलब चेंजेज होना। यस मैम, चेंज होना। इवोल्यूशन उसके बाद का ही है ना? यस मैम, उसी बात। और ठीक है ये देखो, फादर जो है उसमें गैलेक्सी, जानती हो ना गैलेक्सी क्या होता है? यस मैम, गैलेक्सी। बिग बैंग थ्योरी जानती हो क्या? बिग बैंग थ्योरी? नो मैम, ये एक दिन एनसीईआरटी पढ़ रही थी तो दिखा था मैंने लिंडलाइन क्या था। आता है क्वेश्चन, आता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। 20 बिलियन ईयर एक हुआ था, कब हुआ था, कितने बिलियन ईयर एक हुआ था, आएगा चार ऑप्शन करके, इम्पोर्टेंट है। देखो हुआ क्या था ना कि सबसे पहले लाइफ को मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ, अब इस पर ढेर सारे बात छिड़ा ठीक है। सभी ने अपना सच मतलब दिया, भैया ऐसे होता है वैसे होता है, कई तरह का कहानी इन्होंने किया ठीक है। अभी मैं थोड़ा तुमको पॉइंट लिखवा देती हूँ, फिर कहानी मूवी की तरह समझाती हूँ ठीक है। यस कैसे मतलब क्लाउड जो होता है, कैसे वो क्या हुआ, इन्होंने इमेजिन किया जैसे कि बादल है, छोटे छोटे ये एटम जो है मिल गए और बड़े मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह ऐसे बनाए ठीक है। फिर बाद में वो क्या हो गया, तो मतलब फट गया ठीक है। ऐसे उन्होंने कहानी मतलब उन्होंने अर्थ ढूंढ लिया ठीक है। ये सन जो होता है आग का जैसे बोला है ना सन ठीक है, मतलब कई तरह का उन्होंने कहानी ऐसे उसको लेके बताया। तो अभी कुछ पॉइंट नोट करो, फिर मैं तुमको स्टोरी बताती हूँ, फिर तुम अच्छे से तुम्हारे माइंड में गई ठीक है। तो पहले ये किसने दिया था इवोल्यूशन? इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स ठीक है। इसके इवोल्यूशन टर्म जो दिया था पहले लिख लेना इवोल्यूशन टर्म ठीक है। ये मत लिखो ओरिजिन लिखो। किसने दिया था?
ठीक है, तो ये आपको व्हाट इज यूनिवर्स अरे ये पता होना चाहिए है ना, मेरे बेटा को यूनिवर्स तुमको बताया पूरा घुस जाता है उसमें, हाँ उसी दुनिया में। अरे सही मैम, नेक्स्ट संडे को यूनिवर्स पूरा उसको दिखाने खाने ले गए थे, बहुत इतना खुश हुआ था ना कि पूछो मैं। वाओ, वही हम लोग कहते हैं 8 बजे से लेके यार रात में 8 बज गया था। अच्छा सही मैम, देखो मिलियन ऑफ ढेर सारे क्या होते हैं गैलेक्सीज होते हैं, ठीक है तो ये गैलेक्सी क्या है आपका, मिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है स्टार्स होते हैं, ठीक है सारे ग्रह होते हैं, और क्या होता है मतलब क्लाउड, क्लाउड ऑफ किसका होता है गैसेस का होता है ना, यस मैम, और क्या होता है साथ में डस्ट होता है, ठीक है डस्ट, हाँ किसको इन्होंने बताया कि ये यूनिवर्स है, ठीक है कि कुछ डस्ट हो गए हैं कुछ गैसेस हो गए हैं कुछ स्टार्स हो गए, ये सब मिलके क्या बना दिए गैलेक्सी बना दिए, ठीक है कोई पूछे क्या होता है यूनिवर्स तो ये आप बताओगे, ठीक है। अब मान लो एक क्वेश्चन आता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है हाँ थ्योरी में क्या है कि इन्होंने यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताया, ठीक है टेल अबाउट यूनिवर्स ओरिजिन, लिख लो टेल अबाउट अबाउट यूनिवर्स ओरिजिन, ठीक है पाई इसमें पाई बताया 20 बिलियन ईयर पहले हुआ था, ठीक है इतना ही है, यानी कि आप इसको लिख सकती हो 20,000 मिलियन, ठीक है लिख सकती हो ना, यस मैम। ये क्या हुआ था एक्सप्लोजन हुआ था, किसका थर्मोन्यूक्लियस का, मतलब ये जो थर्मोन्यूक्लियस था उन्होंने बताया कि ये डार्क कलर का होता है, कंडेंस कंडेंस मैटर होता है यूनिवर्स, ठीक है यही जो होता है ना धूल एटम ये सब मिलके क्या बनाया था तुम्हारा थर्मोन्यूक्लियस, और ये क्या हो गया एक्सप्लोजन हो गया फट गया, हाँ सकती हो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन इसका हो रहा है थर्मो फट जाना, ठीक है क्या जरा फट जाएगा विस्फोट हो जाएगा, विस्फोट मान लो समझ लिए बम जिस तरह फटता है, यस मैम इन डार्क, हां ये इसको उठा दो यार शाम हो गया है, कंडेंस कंडेंस मैटर, कंडेंस मैटर यूनिवर्स स्टार्टेड, अभी 5 मिनट में बंद हो जाएगा बेटा तो 5 मिनट बाद आप स्टार्ट कर देना, ठीक है क्या होता है टेम्परेचर स्टार्ट क्या होगा कूल डाउन होगा, ठीक है जब विस्फोट हो गया तब उन्होंने क्या बोला हाँ कि टेम्परेचर क्या हो रहा है टेम्परेचर क्या स्टार्ट हो जा रहा है ठंडा होने लग रहा है,
वो किसको बोला है? यूनिवर्स किसको? सन को बोल रहा है, ठीक है? कूल डाउन, ठंडा होने लगा। अब ठंडा होने लगा तो क्या होने लगा? देखो क्या होने लगा, क्लाउड जो है और गैसेस, पड़ी होगी तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? क्लाउड और गैसेस क्या हो गया? हीलियम एंड हाइड्रोजन। अब देखना ना सूप बनाया जाएगा, एक है ना एक, ये तुम जानती होगी कौन सा इसमें है यार, क्यूरी, क्यूरी आप नहीं एक्सपेरिमेंट नाम सुना होगा, आता है चार ऑप्शन का, स्वान्नेक एक्सपेरिमेंट सुना होगा बेटा, और एक एक्सपेरिमेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, अरे मिलर एक्सपेरिमेंट। हाँ मिलर एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये सब स्वान एक्सपेरिमेंट आ जाता है, किसने दिया था, और ये आ जाएगा अरे मिलर एक्सपेरिमेंट नाम ही है उसका, ठीक है? उसमें जो क्या बॉइलिंग वाटर में तुम्हारा मेथेन और हाइड्रोजन और क्या होता है NH3 अमोनिया, ये सबको वो मिक्स करके बॉइल करके क्या बनाता है, पढ़ा है कि नहीं तुमने ये बताओ? कुछ भी पढ़ा तो नहीं है, मैं अंडरलाइन किया था मैम, ऊपर ऊपर से पढ़ा था, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत नाम तो सुना होगा ना कि हाँ ये सुना है, अंदर डीप नहीं गई, ऊपर से सुना है ये सुना। डीप भी तुम नहीं गई होगी बट वो ऊपरी ऊपरी गई होगी ना, ये सुना, ठीक है? चलो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, ये आगे लिखते सारे, अरे फिर निकले तो फिर अच्छे से फिगर बना के मैं समझा देती हूँ। ये क्लाउड गैसेस हो गया, कंडेंस हो गया, ये कंडेंस ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? ग्रेविटी क्या है बेटा? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी क्या है? Disk shift masses, उसको इन्होंने क्या बोला, नाम क्या है ग्रेविटी? नेब्यूला, आता क्वेश्चन नेब्यूला क्या होता है? नेब्यूला को इसको ही उन्होंने क्या बोला कि सोलर नेब्यूला, सोलर नेब्यूला ग्रेविटी की वजह से ही ना नीचे अर्थ पे टिके हुए हैं बेटा। यस मैम, ऊपर की ओर जाती हो तो सब होता है, कम होते जाता है ना, तब ऊपर जाती हो एस्ट्रोनॉट वगैरह सबको देखती हो ना वो, हाँ है ना, तो वहां पर ग्रेविटी होता है क्या? यस मैम, नहीं होता है ना ग्रेविटी बेटा, अर्थ पे ना नहीं होता, कोई सामान तो अर्थ पे होता है, ऊपर नहीं होता, हाँ तो वो ग्रेविटी होता है तभी ना हम अर्थ पे टिके हुए हैं, तो हम लोग भी उड़ते होते हैं कि नहीं? उड़ते होते हैं, यस मैम, हाँ एक जगह नहीं होते, हाँ